तो गाइस मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिस वीडियो का टॉपिक था 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला एंड इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट भी देखने को मिले। कोई कमेंट मुझे इम्प्रेस कर रहे थे और कोई कमेंट थे वो मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि गाइस मैंने इस वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो को एडिट करते हो या एडिट बनाते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन जब उस वीडियो को आप लोग 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते टाइम आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो 9.16 में खुद ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है। तो गाइस 1.1 साइज वाली जो शॉर्ट वीडियो वो मेरी उसी में ही जा रही है, मेरी 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो 9.16 रेशियो में नहीं जा रही है। तो आपने जो ट्रिक बताया वो वर्क कर रहा है आपके लिए, थैंक। कुछ ऐसे कमेंट देखने को मिले और कुछ ऐसे कमेंट मिले कि भाई आपने जो ट्रिक बताया इस ट्रिक से मेरी जो वीडियो है वो 9.16 ही रेशियो में ही कन्वर्ट हो रही है, आपकी जो ट्रिक है वो वर्क नहीं कर रही। तो आज की इस वीडियो में फिर से इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, इसी वजह से ऑडियंस की वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं आप लोग बता दूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं नया तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग की 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो 9.16 रेशियो में कन्वर्ट नहीं होगी, और सिर्फ आप लोग जब भी अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करोगे तो आपकी जो शॉर्ट वीडियो का रेशियो 1.1 होगा वो 1.1 ही रहेगा जब आप लोग अपलोड कर दोगे। तो इसमें आप लोग को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपकी वीडियो 1.1 साइज वाली है तो आपकी 1.1 साइज में ही अपलोड होगी, वो ट्रिक है, वो आप लोग को मैं बताऊंगा वो कौन सी ट्रिक है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस हम लोग आप लोग को जल्दी से ट्रिक बता देते हैं ताकि आप लोग को भी ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना है, वो साइड में इसके रिकॉर्डिंग दिखती होगी, आपको क्या करना है कि आप लोग को अपनी वीडियो को पहले सेट कर लेना है कि आप लोग किस रेशियो में अपनी शॉर्ट वीडियो को बनाते हो। अगर 9.16 रेशियो में आप लोग शॉर्ट वीडियो को बनाते हो तो ठीक है, अगर नहीं बनाते हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। गाइस अगर आप लोग अपनी वीडियो को 1.1 साइज रेशियो में बनाते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोग 9.16 में बनाते हो तो आप लोग को वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती होगी, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो 1.1 रेशियो में बनाते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो फिर से आप लोग को बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो में फिर से वही कमेंट आएंगे, भाई आपने जो ट्रिक बताया वो वर्क नहीं कर रहा। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कोई भी काम कर तो पहले काम कर लेना, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग काम छोड़ के मेरी वीडियो को देखो। आप लोग को बता दूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आप लोग को फिर से ट्रिक समझ में नहीं आएगी और बाद में मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में यही बोलोगे, जिससे मेरी वीडियो का रीच डाउन हो सकता है यार, और लोग मेरे को गलत भी बोल सकते हैं। तो आप लोग को बता दूँ कि आप लोग को करना क्या है, अगर आप लोग की शॉर्ट वीडियो का साइज 1.1 है तो आप लोग को कैसे अपलोड करना होगी। आप लोग को कुछ नहीं करना है, साइड में इसके रिकॉर्डिंग दिखता होगा, आप लोगों सिर्फ पहले अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। और कैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहीं पे मिस्टेक कर जाते हो जिस वजह से आप लोग की जो वीडियो है 1.1 वाली साइज की जो शॉर्ट वीडियो है वो 9.16 रेशियो में क्यों कन्वर्ट हो जाती है। आप लोग 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो को अपलोड आ शॉर्ट के ऑप्शन से अपलोड करते हो जिससे सोचते हो कि हमारी वीडियो इससे वायरल हो जाएगी। मैं आप लोग को बता दूँ शॉर्ट वीडियो वायरल होने का कैसे भी हो सकता है, लेकिन आप लोग बता दूँ कि आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी शॉर्ट वीडियो अपलोड ना करें, चाहे आपकी 9.16 रेशियो की भी वीडियो क्यों ना हो, आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी अपलोड मत करा करो। आप लोग कहाँ से अपलोड करना है वो आप लोग को मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग की साइज जाए 1.1 है तो आप लोग अपलोड अ वीडियो के ऑप्शन से ही करो, अपलोड अ वीडियो के ऑप्शन से। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है जब आप लोग 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो को अपलोड करोगे तो वो वीडियो खुद ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर 1.1 साइज में ही आएगी, आप लोग की 9.16 रेशियो में कन्वर्ट नहीं होगी। क्योंकि गाइस अपलोड अ शॉर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि आप लोग जो 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो होती है वो 9.16 रेशियो में कन्वर्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका जो फ्रेम होता है वो बना हुआ होता है, जिस वजह से आपके वीडियो वो कुछ इस प्रॉब्लम में आ जाती है जो कि आप लोग को मैंने पहले दिखा चुका हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोग अपनी 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो अपलोड करो तो अपलोड अ ऑप्शन वाले ऑप्शन से करो, अपलोड अ वीडियो वाले ऑप्शन से करो, उस पर आप लोग को क्लिक करना है, साइड में इसके रिकॉर्डिंग दिखता ही होगा। एंड जैसे आप लोग उस पर क्लिक कर दो आप लोग को वो वीडियो ले लेना है जो वीडियो को अपलोड करना है, उस वीडियो को सिलेक्ट करके आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोग थंबनेल भी लगा सकते हो। अब आप लोग को क्या करना है, पहले थंबनेल भी लगा सकते हो एंड उसके बाद आप लोग को कहना अच्छे से टाइटल लिख देना, जैसे टाइटल लिख दोगे फिर आप लोग अपनी वीडियो को प्राइवेट कर देना, प्राइवेट करके आप लोग को अपलोड कर देना। तो गाइस मैंने अपनी वीडियो को अपलोड कर दिया है एंड उसके बाद आप लोग को इसका जो प्रोसेसिंग है वो दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग साइड में इसके रिकॉर्डिंग देख सकते हो, मैं इस वीडियो को प्ले करके भी दिखा देता हूँ, आप लोग खुद देख सकते हो कि मेरी जो वीडियो का साइज था वो 1.1 रेशियो साइज था, और जब मैंने अपलोड कर दिया इस
ट्रिक से, तो भी इस वीडियो को साइज बुक कितना है 1.1 ही दिखा रहा है, 9 पॉइंट हो रहे हैं इसमें तो कन्वर्ट नहीं हुई, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अगर आप लोगों के सामने भी यही प्रॉब्लम आ रही थी और आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था, तो आप लोग को इस तरीके से 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर सकते हो, ताकि आप लोग की भी वीडियो 1.1 साइज वाली शॉर्ट वीडियो 9.16 रेशियो में कन्वर्ट ना हो, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आई होप आप लोगों की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।